जी स्टूडेंट्स, अपना आज का टॉपिक क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3rd विचों है जी। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पंजाबी विच आपां इस नूं कह दिंदे हां दो चलां विच रेखीय समीकरणां दे जोड़े। अज आपां करन जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd, जो कि एक स्टेटमेंट सम है। तो इसनों आपां इंग्लिश अते पंजाबी दोनों मीडियम विच इस वीडियो विच सॉल्व करांगे। जी स्टूडेंट, जेकर तुसी मेरे चैनल पर फस्ट टाइम आए हो तो इस चैनल में सबसक्राइब जरूर कर देना, बैल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरह मैथ के समझ में किस तरह आप ईजी वे सॉल्व कर सकते हैं इस दे रिलेटेड मैं वीडियो हमेशा लैके आता रहता हाँ। तो जेकर वीडियो तुम अच्छी लगी तो इसमें लाइक तो शेयर जरूर कर देना। आओ हम आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हाँ इंग्लिश विच ते पंजाबी विच ते फिर इसमें आप सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आओ पहले आप इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ लेने हैं तो फिर इसमें आप पंजाबी में रीड करांगे। इंग्लिश में स्टेटमेंट इस तरह है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। What are the fixed charges and the charge per kilometer? And how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? आओ पहला हुण इसनूं पंजाबी विच भी स्टेटमेंट पढ़ लेने हां तो फिर मैं तुहानूं स्टेटमेंट नूं एक्सप्लेन करदा हां कि स्टेटमेंट दे विच की आपां नूं कहा गया है ते की अपने को पूछा गया है। What we have to find? पंजाबी विच स्टेटमेंट इस तरह है जी, एक शहर विच टैक्सी किराए विच निश्चित किराए तो इलावा तय की गई दूरी का किराया शामिल किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए किराया ₹105 है, 115 किलोमीटर के लिए किराया ₹155 है। निश्चित किराया प्रति किलोमीटर किराया की है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय करने लिए कितना किराया देना पड़ेगा। हुण आपां इस स्टेटमेंट नूं एक्सप्लेन करदे हां। इस स्टेटमेंट दे विच दो तरह के किरायां की गल की गई है, एक है निश्चित किराया अते एक है तय की गई दूरी पर किलोमीटर के हिसाब नाल किराया। मतलब दो तरह के इत्थे किराए की गल हो रही है, एक निश्चित किराया जिसनूं आपां इंग्लिश विच कह देने हन फिक्सड चार्जेस, ते एक अपने को है चार्ज पर किलोमीटर, मतलब प्रति किलोमीटर के हिसाब नाल कितना ओह किराया लै रहा है। तो आपां नूं दो इहदे विच कंडीशनां दित्तियां होईयां हन कि जे वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसनों ₹105 पे करने पै रहे हैं। तो जे कोई अपने को 15 किलोमीटर दूरी लिया जो किराया है वह अपने को ₹155 है। तो जे कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय करता है तो उसनों कितना किराया देना पड़ेगा। हुण इस दे विच आपां तीन चीज़ां पता करनियां हन, एक कि उसका जो फिक्स चार्जेस है वह किन्ने हन, निश्चित किराया किन्ना है, फिर जो चार्जेस पर किलोमीटर हैं प्रति किलोमीटर वो किराया कितना ले रहा है। तो तीसरा अपने को क्वेश्चन है कि जेकर एक पर्सन एक व्यक्ति 25 किलोमीटर दी डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसनों कितना किराया देना पड़ेगा। तो आओ हुण इसनों आपां वन बाय वन सॉल्व करते हैं, पहला इंग्लिश विच ते फिर इसनों पंजाबी विच। स्टूडेंट्स, आओ हुण क्वेश्चन नूं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे विच आपां की फाइंड आउट करना है, दो चीज़ आपां फाइंड आउट करनिया है मेन, एक आपां पता करना है जो फिक्स चार्जेस है टैक्सी दे, ते दूसरा अपने को है चार्ज पर किलोमीटर। ते आपां मान के चलते हाँ लेट जो फिक्स्ड चार्जेस हैं टैक्सी दे, फिक्स चार्जेस वो हैं ₹X, ते जो चार्ज पर किलोमीटर है कि जिन्ने किलोमीटर परसन ने ट्रैवल किया है उस दे हिसाब नाल किन्ने पर किलोमीटर दे हिसाब नाल उसनों किन्ने रुपए पे कर पाएगा वो आप ले लेने हैं ₹Y। एंड चार्जेस पर किलोमीटर इसनों आप मान लिया है ₹Y। इसनों अच्छी तरह समझना, आप पहले फिक्स चार्जेस ते चार्जेस पर किलोमीटर, जे कोई आदमी टैक्सी विच बैठा है तो उसनों फिक्स चार्जेस भी देने पैणगे, ते जिन्ने किलोमीटर वो ट्रैवल किया है पर किलोमीटर के हिसाब से उसनों ₹Y देने पैणगे। हुण आपां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि आपां नूं कि कंडीशन इस क्वेश्चन के विच दित्ती हुई है। इस दे विच अपने को दो कंडीशन दित्तियां हुई हैं, पहली कंडीशन के विच उसने कहा है कि जो परसन है वह 10 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है तो उसनों किन्ने रुपए पे करने पै रहे हैं ₹105।
105 रुपीज। तो इस दे विच हुण जो 105 है उस दे विच केड़े केड़े चार्जेस इनकलूड होणगे, उस दे फिक्स चार्जेस वाले भी चार्जेस इनकलूड होणगे ते चार्जेस पर किलोमीटर वाले भी चार्जेस इनकलूड होणगे। फिक्स चार्जेस उस दे हन एक्स रुपीज, ते किन्ने किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है 10 किलोमीटर। स्टेटमेंट दे विच लिखा है कि उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ते पर किलोमीटर उसके चार्जेस हन वाई। तो जे 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो किन्ने चार्जेस बन जाएंगे 10y। तो ये जो टोटल रुपीज उसने पे किए हैं वो किए हैं 105 रुपए। इसी तरह दूसरी कंडीशन है कि अगर वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो किन्ने रुपए पे कर रहा है टैक्सी ड्राइवर नू 155। उसके विच भी जो 155 है उसके विच फिक्स चार्जेस भी इंक्लूडेड होंगे ते चार्जेस पर किलोमीटर भी। फिक्स चार्जेस एक्स, किन्ने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है सेकंड टाइम उसने 15y, ते वो किन्ने रुपए पे कर रहा है टोटल 155। इसनु नंबर 1 ते इसनु नंबर 2 इक्वेशन लिख लेने हैं। हुण आपां फर्स्ट इक्वेशन दे विचों क्योंकि आपां इसनु सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसलिए आपां फर्स्ट इक्वेशन दे विचों एक्स या वाई की वैल्यू कढ के उसनु आपां वाई दे विच सेकंड इक्वेशन दे विच फिल कर देना है। ते आपां लवांगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इस विच आपां कहना है जो 10y है उसनु इधर शिफ्ट कर दियो ते एक्स आपणे को किन्ना आ जाएगा 105 - 10y। ते इसनु आपां लिख लेने हन इक्वेशन नंबर 3। हुण जो 3 विच आपां एक्स दी वैल्यू कढ़ी है उसनु आपां किथे फिल कर देना है इक्वेशन नंबर 2 विच। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। हुण आपां एक्स दी जो वैल्यू कढ़ी है इक्वेशन नंबर 3 चो उसनु आपां इक्वेशन नंबर 2 विच फिल कर देना है एक्स दी जगह ते। ते एक्स दी जगह ते आपां फिल कर देना है 105 - 10y। ते आपणे कोल आ जाएगा इस दी जगह आपां फिल कर देना है 105 - 10y + 15y = 155। ते हुण जो y वाली टर्म्स है उसनु आपां लेफ्ट साइड ते रखना है ते जो कली संख्या है कला नंबर है उसनु आपां राइट साइड ते शिफ्ट कर देना है। -10y, 15y, 155 - 105। ये अपने को आ जाएगा 5y, ते ये अपने को आ जाएगा 50। ते y कितना आ जाएगा 50.5 = 10। हुण y अपने को आ चुका है जी 10, ते y अपने को की है चार्जेस पर किलोमीटर। इसका मतलब हर एक किलोमीटर ले वो जो टैक्सी ड्राइवर है किन्ने रुपए चार्ज कर रहा है 10 रुपए। जे 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो 10 रुपए, 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो 20 रुपए, 10 × 2 = 10। हुण जो ए वाई दी वैल्यू है वो आपां किथे फिल कर देनी है इक्वेशन नंबर 3 विच। पुट y = 10 इन इक्वेशन 3 वी गेट, ते आपां नूं की मिलेगा x = 105 - 10 × 10। x = 105 - 100 = 5 रुपीज। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਹਨ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਹਨ ਉਹ ਹਨ 5 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ 10 ਰੁਪੀਸ। ਇਟ ਮੀਨ ਜੋ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਸ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨ ਰੁਪੀਸ 5 ਐਂਡ ਚਾਰਜਸ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 10 ਰੁਪੀਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜਸ ਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਰਜਸ ਫੋਰ ਚਾਰਜਸ ਪੇਡ ਫੋਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਾਰਜਸ ਪੇਡ ਫੋਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਪੇ ਕਰੇਗਾ। फिक्स चार्जेस प्लस 25 × y, फिक्स चार्जेस अपने को किन्ने हैं 5, 25 × 10, 5 + 250 इट मीन 255 रुपीज। जेकर कोई पर्सन अपने को 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है
ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਗਾ 255 ਚਾਰਜਸ ਪੇਡ ਫਾਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 255 ਰੁਪੀਸ ਹੋਪ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਜੋ ਟੈਕਸੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੁਪੀਜ਼ ਐਕਸ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੁਪੀਜ਼ ਵਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ 105 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਹ 105 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 105 ਰੁਪਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 105 ਰੁਪਏ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ 20 ਹੈ ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 20 ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹਨ 105 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ 155 ਰੁਪਏ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ 155 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਪਲੱਸ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗਾ 15 y ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ 1 y ਹੈ ਤੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 15 y ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ 155 ਰੁਪਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨ 2 ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸ ਜਾਂ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨ 2 ਵਿੱਚ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਤੋਂ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ 105 ਇਸ 10 y ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ -10 y ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ 3 ਇਹ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ 3 ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ 3 ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ 2 ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 105 - 10 y 105 - 10 y ਇਸ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪਲੱਸ 15 y ਬਰਾਬਰ 155 ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ -10 y ਜਮਾ 15 y ਬਰਾਬਰ 155 -105 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5 y ਬਰਾਬਰ 50 ਤੇ ਵਾਈ ਆ ਗਿਆ 50/5 ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 10 ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣੇਗਾ 10 ਰੁਪਈਏ ਜੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 20 ਰੁਪਈਏ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 10 ਨੂੰ 30 ਰੁਪਈਏ ਐਂਡ ਸੋ ਆਨ ਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪੈਸੰਜਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਇਸ ਜੋ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ 3 ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਜੋ ਚਾਰਜਸ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਾਈ ਬਰਾਬਰ 10 ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ 3 ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੇ ਐਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ 105 -10 × 10 105 - 100 = 5 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 5 ਰੁਪਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 5 ਰੁਪਈਏ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ
वो अपने को आ गया है जी 5 रुपये, ते किराया प्रति किलोमीटर अपने को आ गया 10 किलोमीटर 10 रुपये, किराया प्रति किलोमीटर वो अपने को आ गया है 10 रुपये। तो हम आप करना है 25 किलोमीटर की, कोई जे कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा तय करता है तो उसनु कितना किराया देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर यात्रा का किराया की होएगा, पहला फिक्स चार्जेस प्लस फिर 25 किलोमीटर के हिसाब न 25 बाई, तो फिक्स चार्जेस जो निश्चित किराया है वह 5 रुपये है, 25 × 10 5 × 250 अपने को आ गया 250 प्लस कर देंगे 255 रुपये, इसका मतलब 255 रुपये जो हैं वो अपने को की हैं, जेकर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है यात्रा करता है तो उसनों उस टैक्सी ड्राइवर को कितने रुपए देने पड़ेंगे 255 रुपये। होप के स्टूडेंट तुम्हें यह क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लग गया होगा, मैं काफ़ी ईजी वे ना करवाने की कोशिश की है, जेकर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो इस लाइक और शेयर जरूर कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, बैल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।